बहुत ही तगड़ा सॉल्व पेपर में आया था। प्रॉब्लम ये है कि इसमें से सपोज़ किसको करें, तो ऑफकोर्स ये जो जिस पे पावर है इसको मान लेंगे। अब क्या माने, जेड या जेड स्क्वायर? तो ज़्यादा बेहतर है जेड स्क्वायर, ताकि रूट ख़त्म हो जाए। अब देखो, जब इसको मैं जेड स्क्वायर मान लूँगा, मैं डिफरेंशियल लूँगा, यहाँ आ जाएगा 2z dz, 4 तो उड़ जाएगा, माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 cos 2x dx, मज़ीद 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस को अगर इधर ले आओ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये माइनस जेड डी जेड इक्वल हो जाएगा किसके, कॉस 2x dx, यानी इस कॉस 2x dx की जगह तो माइनस जेड डी जेड हो जाएगा, और जेड स्क्वायर और रूट दायरे जेड बच जाएगा, ये बच जाएगी सिचुएशन। यानी माइनस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो कि ऑफकोर्स माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 होता है बाहर निकालने। अब देखो, लिमिट के लिए दो तरीके, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है पहले चेंज कर लो। कैसे भाई? हाँ, क्या थी पुरानी लिमिट? 5/4 पुट करना है x की जगह, तो साइन 90 ज़ाहिर 1 होता है, जेड स्क्वायर 3, तो जेड के लिए रूट 3 आ जाएगी। और जब ये लोअर लिमिट x 0 पुट करोगे तो जेड स्क्वायर 4z2 आ जाएगा। तो नई लिमिट आपकी क्या हो जाएंगी भाई? √3 और 2। अब देखो होता क्या है, पहले अपर लिमिट आएगी इसकी जगह √3 का क्यूब, फिर -2 का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3, -2 का क्यूब 8। ये -1/3 तो देखो हमने बाहर निकाला हुआ, इसको तो अभी छेड़ो ही नहीं, अब अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/3, यहाँ 3 कैंसिल -√3, एलसीएम ले लें तो 8 -3√3/3, और यही बच्चों फाइनल आंसर हो।